दोस्तों, आजकल के शादियों में आपको ऐसे नमूने देखने को मिल जाएंगे जो ज़्यादा दिखावा के चक्कर में अपनी इज्जत को मिट्टी में मिला देते हैं, और ये लोग ऐसे ऐसे अजीब काम कर बैठते हैं, और फिर इन्हीं के लिए एक बार मुसीबत की घड़ी बन जाती है। और आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही दूल्हा और दुल्हन के अजीबोगरीब हरकत दिखाने वाले हैं। अगर यह अजीबोगरीब तस्वीर कैमरे में रिकॉर्ड ना होती तो इन पर कोई यकीन नहीं करता, और ये लोग अपनी बेइज्जती करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और ऐसे लोग अपनी कारनामों की वजह से बेवकूफ़ी की मिसाल दे बैठते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे ही बेवकूफ़ दूल्हा और दुल्हन को, और इन्हें देखने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। लेकिन आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट करके जरूर बताएं यह वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, यह वीडियो वाकई में काफ़ी अजीब है। आप देख सकते हैं कि दूल्हा और दुल्हन हाथ में वरमाला लिए हैं, और यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, और यहाँ पर लड़का पक्ष के लोग लड़के के ना कहने के बाद भी दूल्हे को गोद में उठा लेते हैं, और उसी समय लड़की पक्ष के ओर से एक बंदा आता है और लड़की को गोद में उठा लेता है। और जैसे ही लड़की लड़के को जयमाल पहनाती है, और दुल्हन ने ठीक उसी वक्त बंदे के गाल पर तमाचा जड़ देती है। फिर इसके बाद आप खुद ही देख लीजिए फिर क्या हुआ। हमारे हिसाब से यह बंदा लड़की का जीजा ही होगा, और उस समय वह इतने गुस्से में था कि वह अपना गुस्सा किसी और के ऊपर उतार दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, दुल्हन ने इसके साथ ठीक किया या गलत? आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और उन्होंने जरूर कोई ऐसी हरकत की होगी जो उसे नहीं करनी चाहिए, लेकिन गलती तो अब हो ही गई है। लेकिन यह वीडियो हमेशा हमेशा के लिए पूरे परिवार को शर्मिंदा करती रहेगी। चलिए अब अगले वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, अक्सर शादियों में दूल्हा के अजीब नखरे होते हैं, और कुछ लोग पहुंचने के बाद पता नहीं क्यों किस बात का मर्दानगी दिखाने लगते हैं। अब आप इस दूल्हे को देखकर ही पता लगा सकते हैं यह दूल्हा कितने एटीट्यूड में लग रहा है। बेशक सूरत से यह दूल्हा किसी मंडी का मजदूर लग रहा था, और इन जनाब के नखरे तो नवाबों वाले हैं। फिर से आप इनके एटीट्यूड को एक बार देख लो। खुद को लड्डू तो खाया नहीं मगर, लेकिन हाँ, दुल्हन के मुंह में ऐसे लड्डू को ठूस दिया जैसे कि कोई मशीन में चारा को ठूस रहा है। और यह बात यहीं खत्म नहीं होती है। इसके बाद आप खुद देख लीजिए कि दुल्हन को कैसे वरमाला डाल रहा है। ऐसा लग रहा है कि इसने दुल्हन को पूरी उम्र हाथ ना लगाने की कसम खाई है। अरे भाई, जब आपको हाथ ही नहीं लगाना है तो आप शादी किस लिए कर रहे हैं? दोस्तों, अब चलिए देखते हैं इस कमाल की दुल्हन को। दोस्तों, वरमाला के समय ही सबसे ज्यादा कांड होते हैं, और यह दूल्हा अपनी दुल्हन को बहुत ही प्यार से वरमाला को पहना देता है। फिर इसके बाद में बारी आती है दुल्हन की, और यह दुल्हन दूल्हा को वरमाला नहीं पहनाना चाहती है, और यह दुल्हन दूल्हे के सेहरे पर वरमाला को टांग देती है। और यह देखकर फोटोग्राफर आता है और दुल्हन को फिर से कहता है वरमाला पहनाने को। और इस दुल्हन को देखने पर ऐसा लगता है कि ये अपने लाइफ में कुछ सीखी ही नहीं है, और इन्होंने फिर से दोबारा वरमाला सेहरे पर टांग देती हैं। अरे भाई, वरमाला है, कोई कपड़ा तो नहीं है जो आप इसे बार बार टांग रही हो। और फिर से इनकी हरकत को देखकर दूल्हा गुस्से में आकर वरमाला को फेंक देता है। अब शायद कुछ भी हो, चाहे वह वरमाला पहनाए या ना पहनाए, यह तो इन्हीं के साथ में ही जाने वाली हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखना, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।